आपने योगा भी कर लिया, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, दूसरा आपने मसाज भी करवा कर देख ली किसी बुजुर्ग से या फिर मसाज थेरेपिस्ट से भी मसाज करवा कर देख लिया, आपको फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली तो कौन कौन से आपको पोजेस करने हैं योगा में जिससे कि आपकी नाभि जो है वो सही जगह पर आ जाए और आपको बिल्कुल राहत मिल जाए, वो हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब नाभि खिसक जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं एंड उसको होम रेमेडीज़ के थ्रू यानी घरेलू उपचारों के थ्रू किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और जब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगे तो हमें कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आपने अपने दादा दादी नाना नानी रिलेटिव्स या फिर अपने घर वालों से कई बार सुना होगा नाभि खिसक गई है या फिर नाभि खिसक जाती है। किस चीज़ से खिसक जाती है? जैसे वो बोलते हैं कि भाई भारी उठाने से खिसक जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी आप कुछ वेटेड चीज़ उठाओगे तो खिसक जाती है, अचानक से रैंडमली रन करोगे ऊपर नीचे पैर पड़ गया, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से हो गया, बहुत जल्दी जल्दी आप सीढ़ी उतर रहे हो चढ़ रहे हो, या फिर एकदम से झटका आ गया तो आपको नाभि जो है वो खिसक गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने कई बार अपने पेरेंट्स से रिलेटिव से दादा दादी नाना नानी इन सब लोगों से कई बार सुनी होंगी। तो अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि नाभि खिसकने के सबसे पहले लक्षण क्या होते हैं यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नाभि खिसक गई है। तो पहला लक्षण है, अगर आपकी नाभि जो है वो नीचे की तरफ खिसकी है यानी कि आपकी नेवल से नीचे की तरफ खिसक गई है तो आपको इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगा और आपको लूज मोशंस हो जाएंगे। पॉइंट नंबर टू, अगर आपकी नाभि ऊपर की तरफ खिसक गई है तो आपको जी मचलाना, उल्टी जैसा भरा भरा, कब्ज, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसा फील होना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर थ्री, अगर आपकी नाभि ऊपर नीचे हो गई है तो पेट में आपको काफ़ी दर्द रहना होना शुरू हो जाता है यानी कि आपको पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर फोर, अगर आपकी नाभि खिसक जाती है तो आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड करना शुरू कर देती है, बॉडी में आपको बिल्कुल जान नहीं लगता, मांसपेशियां जो होती हैं वो मरोड़ जाती हैं, दूसरा आपको एकदम ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में पूरा पानी भर गया हो, हवा भर गई हो जिसको बोलते हैं, तो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है एंड साथ साथ में पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, कब कुछ खाने का मन नहीं करता, वॉमिटिंग जैसा फील होता है और हमेशा ऐसा लगता है कि बस बेड पे लेटे रहो, जितना आराम कर सको उतना आराम करो, यानी कि बॉडी जो है वो लेथार्जिक बहुत ज़्यादा फील करना शुरू कर देती है। अब पता करते हैं कि किस तरीके से हमें पता चलेगा घर पे बैठे बैठे हमारी जो नाभि है वो खिसक गई है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, वो ये है कि आप सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएं, फिर उसके बाद में अपने हाथ के अंगूठे की हेल्प से नाभि की तरफ इस तरीके से प्रेस करें यानी कि आपकी जहाँ पर नाभि है नेवल है उधर प्रेस करें और फील करें कि जिधर की तरफ नेवल है यानी कि नाभि की जगह है वहाँ पर आपको धड़कन फील हो रही है या नहीं फील हो रही है। अगर आपको धड़कन फील हो रही है तो इसका मतलब है नाभि नहीं हिली है, तो अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, नोज़िया, डिजीनेस, ब्लोटिंग, तो उसका कारण कुछ और हो सकता है। बट अगर आपको धड़कन फील नहीं होती है यानी कि अंगूठे से दबाने पर नाभि की तरफ आपको धड़कन फील नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आपकी नाभि जो है वो डिसलोकेट हो गई है यानी कि आपकी नाभि जो है अपनी जगह से हिल गई है। अब बात करते हैं नाभि खिसकने के घरेलू उपचार यानी कि अगर आपकी नाभि खिसक गई है तो हम घर में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारी नाभि जो है वो अपनी जगह पर बैठ जाए। तो सबसे पहली चीज़ है वो है अपनी बॉडी की मसाज और अपने पेट की मसाज, पर अपनी बॉडी और अपने पेट की मसाज जो है वो उन्हीं लोगों से कराएं जिनको एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं उनकी अच्छे से जानकारी हो, या फिर बुज़ुर्ग लोगों से कराएं जिनको अच्छे से जानकारी हो एक्यूप्रेशर्स की, क्योंकि नाभि बिठाना हर किसी का काम नहीं है, तो या तो आप थेरेपिस्ट के पास में चले जाइए जिसको पूरे एक्यूप्रेशर्स पॉइंट्स पता हो जो कि वो आपकी नाभि बिठा सके। और दूसरा उपचार है वो है योग यानी कि योगा करने से आप अपनी इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन कौन से आपको पोजेस करने हैं योगा में जिससे कि आपकी नाभि जो है वो सही जगह पर आ जाए और आपको बिल्कुल राहत मिल जाए, वो हैं भुजंगासन, वज्रासन, चक्रासन और धनुरासन। ये चार जो हैं योग आप कर सकते हैं जिसकी वजह से नाभि जो है वो अपनी
प्रॉपर प्लेस पे आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा डिसलोकेट नहीं हुई है नेबल तो वो अपनी जगह पर प्रॉपरली पोजिशन हो जाती है। अब अगर आपने घरेलू उपचार कर ली है फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको बहुत परेशानी हो रही है, आपने योगा भी कर लिया आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, दूसरा आपने मसाज भी करवा कर देख ली किसी बुजुर्ग से या फिर मसाज थेरेपिस्ट से भी मसाज करवा के देख लिया, आपको फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इमीडिएटली रन टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, फिर अकॉर्डिंगली वो आपको चेक करके फर्दर मेडिकेशंस या फिर कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। ये टॉपिक मैंने आज इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे बेबी के बर्थ के बाद में नेवल डिसलोकेशन का इशू जो था वो बहुत ज़्यादा था, नाभि मेरी बार 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 खिसक जाती थी, तो मैंने काफ़ी टाइम लगातार कम से कम 2-2.5 महीने से ऊपर मैंने एक थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया और उनसे मैंने मसाज करवाई, फिर उसके बाद में मैंने एक बुज़ुर्ग आंटी थी उनसे उसके बाद में 2-2.5 महीने के बाद में भी मैंने कंटिन्यू करवाया, 1 से 1.25 महीने के आसपास में मैंने थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन करके नेवल डिसलोकेशन का इशू रिजॉल्व करवाया, फिर उसके बाद में फिर दोबारा से मेरी नाभि डिसलोकेट हुई और फिर उसके बाद में मैंने एक आंटी से अपनी मसाज करवाई, तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील हुआ। बीच में इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि कभी ये तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई है बेबी के होने के बाद में, तो मैं समझ नहीं पा रही थी, कम से कम 10 हफ्ते हो गया जिसकी वजह से मैं स्ट्रगल कर रही थी। अब मेरे साथ में ये हुआ था कि मेरी बॉडी जो है उसने वाटर होल्ड बहुत ज़्यादा कर लिया था, हर जगह से सूजन हो गई थी, फेस पे स्वेलिंग हो गई थी, हाथों में स्वेलिंग हो गई थी, फिंगर्स में, पैरों पे बहुत ज़्यादा थिक जो लेग्स थे वो बहुत ज़्यादा थिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी, एंड मैं जो है कुछ समझ में नहीं आता था, मेरे को कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही थी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही थी, मैं जो कुछ भी खाऊं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो वो एसिड रिफ्लक्स भी होना शुरू हो गया था, इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी और साथ साथ में मुझे कब्ज भी हो गया था, तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। तब उसके बाद में मैंने थेरेपिस्ट को वो किया, साथ साथ में मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया और उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की। मेडिकेशन से डेफिनेटली क्योंकि बहुत इतना ज़्यादा हो चुका था तो मेडिकेशंस को मैंने लिया, तो मेडिकेशन से मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, एंड देन फिर उसके बाद में मैंने मेडिसिन लेने के 4 से 5 दिन के बाद में थेरेपी शुरू कर दी थी, जिससे कि मसाज थेरेपी वगैरह की, जो थेरेपिस्ट ने मेरे पूरी बॉडी को मसाज किया एंड देन फिर मेरी स्टमक को भी मसाज किया, एंड धीरे धीरे मेरी जो नेवल डिसलोकेशन की जो प्रॉब्लम थी वो वापस से आई। सो ये जो कुछ चीज़ें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताई हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है और आपको बेयर नहीं है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर को लूप में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप सेल्फ एक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।